डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो चलिए मैं जेरूसलम शहर से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जेरूसलम शहर का ओल्ड सिटी में जो अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है उसके अंदर का नजारा इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पूरे डिटेल्स में आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मस्जिद के अंदर और डोम ऑफ द रॉक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पूरा ब्लॉग को आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जेरूसलम शहर का ओल्ड सिटी से एक और नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ब्लॉग में हम लोग गए थे होली चर्च ऑफ सेपुल्कर, यानी वो जगह जहां पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था, और वो था क्रिश्चियन क्वार्टर में। और आज हम लोग हूँ मुस्लिम क्वार्टर में। यहाँ से हम लोग चलेंगे अल अक्सा मस्जिद देखने। अल अक्सा मस्जिद के अंदर का नजारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग जा रहा हूँ ओल्ड सिटी के बाजार के होते हुए। बहुत सारे बाजार का वीडियो भी अपलोड किया हूँ, इसीलिए और ज्यादा बाजार का जो वाइब है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो सारे ब्लॉग चैनल में है, पूरा जेरूसलम शहर का बहुत सारे ब्लॉग है, आप लोग जाके देख सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल हम लोग बिल्कुल मस्जिद के पास आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक बाजार है। लास्ट दिन जब हम लोग मस्जिद गए थे तो वो एक दूसरा गेट था, वहाँ पे उतना ज़्यादा बाजार नहीं था, और यहाँ पे ये एक डिफरेंट टाइप का गेट है। और यहाँ पे बहुत सारे बाजार है, आप लोग देख सकते हो। हालांकि इस टाइम भीड़ कम है क्योंकि ये फ्राइडे प्रेयर के बाद हम लोग आ रहा हूँ और अभी लगभग 4 बज रहे हैं। इस टाइम जो है भीड़ थोड़ा कम है, आप लोग देख सकते हो। और बिल्कुल जो दूर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है मस्जिद का गेट। यहाँ पे टोटल आप लोगों को बता देता हूँ, टोटल 11 गेट से मस्जिद जाने के लिए, उसमें से ये एक गेट है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बाजार लगता है, कितना कलरफुल है देखिए। मैं सोचा थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो वाइब आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी होता है बहुत तगड़ा, तो सिक्योरिटी होके आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चल के फिर आप लोगों को शेयर करूँगा और सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल हम लोग एकदम मस्जिद के अंदर आ गया हूँ। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है डोम ऑफ द रॉक, यानी कुब्बते सखरा। लोग इसी को अल अक्सा मस्जिद समझते हैं दोस्तों, लेकिन ये अल अक्सा मस्जिद नहीं है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो उस दिन जो है बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाया, तो आज जो है अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये डोम ऑफ द रॉक के अंदर क्या है और मस्जिद के अंदर क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं। इस तरफ आप लोगों को दिखाया था डिटेल में और अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाया था उतना अच्छा, और इस तरफ मस्जिद है वो भी आप लोगों को दिखाया। किसी भी नॉन मुस्लिम को इसके अंदर और मस्जिद के अंदर ये लोग जाने नहीं देते, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी सीधे चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं डोम ऑफ द रॉक के अंदर क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग डोम ऑफ द रॉक के अंदर आके पहुंच गया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा वो पत्थर, यानी वो चट्टान जहाँ पे पैर रख के प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपन हिम मेराज के टाइम पे जन्नत के तरफ गए थे। तो चलिए पहले वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो ओरिजिनल पत्थर और चट्टान जिसके ऊपर पैर रख के प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपन हिम नाइट जर्नी के दौरान हेवन के तरफ रवाना हुए थे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो ओरिजिनल पत्थर। जो इस लोग मानते हैं यही है उन लोगों का सेकेंड टेम्पल माउंट का टूटा हुआ पार्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अंदर का जो डिजाइन है और जो मोजाइक का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये जो डोम है देखिए दोस्तों, ये डोम का अंदर का नज़ारा है। ये 200 किलो सोने से बना हुआ ये डोम है, ये पूरा सोने का बना हुआ है और ये बनवाए थे जॉर्डन के राजा। अंदर का नज़ारा जब आप लोग देखेंगे, पता नहीं आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप लोगों को बाहर का नज़ारा डिटेल्स में देखना है तो लास्ट वाला जो अल अक्सा मस्जिद का ब्लॉग है आप लोग वो देखिए, उसमें बाहर का नज़ारा आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाई देगा। मुझे लगता है ये डोम ऑफ द रॉक का जो जगह है ये दुनिया के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल जगह है, क्योंकि मुस्लिम लोग और यहूदी लोगों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे के सारे इसी जगह को लेके। क्योंकि मुस्लिम लोग मानते हैं कि इस जगह में प्रोफेट इब्राहिम पीस बी अपन हिम उनके बेटे को लेके आए थे कुर्बानी देने के लिए, और यहूदी लोग मानते हैं कि ये जगह में सेकेंड टेम्पल माउंट था, तो इसलिए ये जगह उन लोगों को भी इम्पोर्टेंट जगह है और मुस्लिम लोगों के लिए भी ये थर्ड होलीएस्ट प्लेस है। तो ये सारे चक्कर इसी जगह को लेके है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक शादी चल रहा है, देखिए दूल्हा दुल्हन देखिए पास पास बैठी है, बहुत अच्छा जोड़ी है। और अंदर ही देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे शादी चल रहे हैं।
लोकल लोग हैं, इनका शादी मैंने कभी नहीं देखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों तक भी इसको शेयर कर देता हूँ। देखिए सारे के सारे लोग बैठे हैं, इसके अंदर ही हो रहे, लेकिन इंडिया में इस तरीके से नहीं होता है, पता नहीं यहाँ पे अलग टाइप का मसला है। खैर कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों और भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ये अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। जो चट्टान है, चट्टान का नीचे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चट्टान का नीचे भी थोड़ा, यहाँ पे देखिए प्रे करने के लिए जगह है। ये देखिए, ये है वो चट्टान जो आप लोगों को मैं दिखा रहा था, और इसके ऊपर ही बिल्कुल है गुंबद, और नीचे भी थोड़ा बहुत प्रे करने के लिए जगह है। इसी चट्टान के ऊपर पैर रख के प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गए थे सीधे जन्नत के तरफ। और ये जो डोम है दोस्तों, इतना बेहतरीन है, आप लोगों को क्या बोलूँ। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत नीचे का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये चट्टान का नीचे गुफा टाइप का है, इसमें भी छोटा छोटा जगह है। एक तरफ जेंट्स लोग प्रे कर रहा है, एक तरफ लेडीज़ लोग प्रे कर रहा है। देखिए अभी ये लोग प्रे कर रहा है, मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ये पत्थर को देखिए, कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। देखिए आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, देखिए ये ओरिजिनल पत्थर है, कितना बेहतरीन जगह है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और ये जो डोम है दोस्तों, ये भी इतना बेहतरीन है और इतना ब्यूटीफुल है, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग अल अक्सा मस्जिद के पास आ गया हूँ। ये देखिए एक किबली मॉस्क बोलते हैं इसको, और इस मस्जिद के नीचे एक मस्जिद है जो ओरिजिनल मस्जिद है। ऊपर वाला मस्जिद तो बाद में बनाया गया था, नीचे वाला मस्जिद अभी हम लोग जा रहा हूँ अंडरग्राउंड में, ये बहुत पहले से था दोस्तों, ये सबसे पुराना मस्जिद है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का मस्जिद है, और कहा जाता है कि ये मस्जिद जिन द्वारा बनाया गया था, क्योंकि ये पूरे एकदम रॉक के अंदर इसको खोद के मस्जिद बनाया गया था, ऐसे नहीं कि दीवार दे के बनाया गया था, ये पूरा खोद के बनाया गया था। और कहा जाता है कि उस टाइम ये इंसान द्वारा इम्पॉसिबल था, तो ये जिन के द्वारा ही बनाया गया था। बहुत सारे, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे अंदर लाइब्रेरी है और बहुत सारे जगह है। यहाँ पे देखिए कितना लंबा है, देखिए पूरा ऊपर जो है किबली मॉस्क, जो लोग अल अक्सा मस्जिद समझते हैं। और ये है मस्जिद मरवानी, इसको मस्जिद मरवानी कहा जाता है, और किंग सलमान यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी मॉस्क कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो जगह अंदर, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रे कर रहा है, यहाँ पे अंदर लाइब्रेरी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, और ये एकदम एंड पॉइंट है। देखिए दोस्तों इस तरफ ये एक्चुअली किबला था, और इस तरफ लोग पहले प्रे करते थे, और कहा जाता है एग्जैक्टली इसी जगह पे आके प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब जन्नत के तरफ गए थे, उससे पहले यहाँ पे दो रकत नमाज अदा किया। ये है वो मिंबर, देखिए दोस्तों ये है ओरिजिनल मिंबर जहाँ पे प्रोफेट इमामत किए थे। और इस तरफ भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, मुझे तो उतना डिटेल्स पता नहीं, मुझे जितना पता है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार ये नज़ारा देख रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी देख पाए। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई देगा उतना पुराना जो है ये दीवारें हैं, और ये जो पिलर है आप लोग देख सकते हो, ये वाला पिलर देखिए, ये कहते कि ये जिन द्वारा बनाया गया वो पिलर है। देखिए ये कोई कंक्रीट का प्लान नहीं है, देखिए आप लोग देख सकते हो पत्थर का बना हुआ है, एक्चुअली ये काट के निकाला गया। चलिए दोस्तों काफ़ी सारे देख लिया, अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए जो बाहर का नज़ारा, और पूरे जो अल अक्सा मस्जिद के बारे में जितना भी मुझे पता था मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वो ब्लॉग आप लोगों को देखना है तो आप लोग जाके देख लीजिए, आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आज ये जगह रह गया था तो मैंने सोचा ये आज आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी बाहर के तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ गया हूँ, देखिए सारे चीज़ें आप लोगों को दिखा दिया, ये डोम ऑफ द रॉक के अंदर का भी नज़ारा दिखा दिया, अल अक्सा मस्जिद का अंदर भी नज़ारा दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा।
तो चलिए अभी बाहर के तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पुलिस है, देखिए, और ये जगह पुलिस हमेशा रहते हैं और एकदम बंदूक ले कर खड़े होते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, ये बहुत आम बात है यरूशलेम के अंदर। पर्टिकुलरली जब ओल्ड सिटी के अंदर आएंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए दोस्तों अभी बिल्कुल हम लोग दमास्कस गेट के तरफ आ गया हूँ और दमास्कस गेट के होते हुए हम लोग बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ये नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, उस दिन दिखाया था, लेकिन ये जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ लगता है और भी वीडियो बनाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना बेहतरीन जो एटमोसफियर है ये जगह का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे कि बार बार क्यों एक ही चीज़ शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, एक ही तरह देखने में है लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखिए और इसका जो है मज़ा लें। चलिए दोस्तों अभी हम लोग ओल्ड सिटी के बाहर आ गया हूँ, अभी हम लोग बस पकड़ के चलेंगे सीधे हिब्रू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेरे फ्रेंड के पास। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, तो ये प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।